हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपनी जिंदगी में ऐसी तरक्की कीजिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? नॉलेज। और नॉलेज क्या होगा? जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको हम आपको बहुत ज्यादा जस्ट में दे रहे हैं, सो आपकी वैल्यूबल टाइम सेव हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर नॉलेज गेन कर सके। सो आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आज आपके सामने थर्ड चैप्टर लेके आए हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर, क्लास 6 का, जिसे हम जिसका टाइटल है मोशंस ऑफ द अर्थ। हम इसमें अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अर्थ के दो टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। सो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो मोशन होता है जिसमें अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, अपनी एक्सिस पे अर्थ जो अपनी एक्सिस है उस पे रिवॉल्व होता रहता है, इसे हम रोटेशन कहते हैं। और जो मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट पाथ, जो ऑर्बिट हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो ये एक्सिस है अर्थ का, ये 66.5 डिग्री मेजर करता है ऑर्बिटल प्लेन से। ये एक इमेजिनरी ऑर्बिटल प्लेन होता है जिससे ये 66.5 डिग्री मेजर करता है, और ये 23.5 डिग्री एक मेजर करता है एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन से। और आगे हम देख लेते हैं, जो सन की जो रोशनी है, सन का जो लाइट है, जिस पोर्शन पे पड़ता है उस सर्कल को, उतने हाफ को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और वहां पर डे टाइम एक्सपीरियंस किया जाता है। सो इसे हम अर्थ डे भी कहते हैं, अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अगर हम आगे देखें कि अगर अर्थ रोटेट ना करे, अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगा अपने स्पिन में, तो क्या हो सकता है? तो अगर रोटेट नहीं करता है तो जो सन की तरफ में जो फेस होगा, जो पोर्शन होगा अर्थ का, वो हमेशा कंटिन्यूस हीट पे रहेगा हमेशा, और जो दूसरा पोर्शन होगा वो डार्कनेस और फ्रीजिंग कोल्ड में होगा हमेशा। तो इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हम दूसरे टाइप के मोशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो रेवोल्यूशन। जो मैंने रेवोल्यूशन आपको बताया है कि अर्थ जो सन के अराउंड मूव करने में, इलेप्टिकल पाथ में जो टाइम लेता है, उस मोशन को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और जो वो टाइम लेता है वो है 365.25 ऑफ द डे। जो ये 1/4 है, ये हम बड़े कन्वीनियंटली इसे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमारे कन्वीनियंस के अनुसार। जो ये पोजीशन है, जो ये पोजीशन अर्थ का देख सकते हैं, ये जो 21 मार्च और जो 23 सितंबर है, ये एक इक्विनॉक्स पोजीशन इसे कहा जाता है, जहां पर जो डेज और नाइट की लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होती है, वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस एक्चुअली नहीं होता, ये इक्वल होती है 21 मार्च और 23 मार्च को। तो ये यहाँ पर आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑटम देखने को मिलेगा। ये अब मैं आपके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे 21 मार्च को, जो 21 मार्च को होता है लॉन्गेस्ट डे होता है अर्थ अर्थ पे, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है उस पर डायरेक्टली सन की लाइट पड़ती है, और ये यहाँ पर समर का जो वेदर है, समर का जो क्लाइमेट, समर का जो कंडीशन है, वो एक्सपीरियंस किया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है वहां पर विंटर एक्सपीरियंस किया जाता है। वैसे ही 22 दिसंबर को इसे विंटर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पर जो सनलाइट होती है वो बहुत कम पड़ती है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर जो साउथ हेमिस्फेयर में समर का एहसास किया जाता है, ये यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर का एहसास किया जाता है। तो जो ये 1/4 ऑफ द डे हम इग्नोर कर रहे थे, इसे इसे अगर हम 4 साल में इसे एक्यूमुलेट करें तो ये एक दिन के बराबर होता है, इसलिए एक डे ज्यादा एक्स्ट्रा आता है फरवरी में एवरी लीप ईयर में। जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ सन के अराउंड एक इलेप्टिकल पाथ में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। सो एक ईयर यूजुअली डिवाइड होता है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। तो ये सीजन कैसे चेंज होते हैं, कैसे ये सीजन सारे अर्थ के पोजीशन पर डिफाइंड होते हैं, अर्थ के पोजीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे इस कंडीशन में, इस पोजीशन में,
जहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइट भरपूर आ रही है, सन से भरपूर आती है, यहाँ पर समर का एहसास करते हैं। इट इज द समर इन दिस रीजन इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। सो जो 21 जून होता है उसमें लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस किया जाता है, और इसी के जो उल्टा इसी का उल्टा हम साउदर्न हेमिस्फेयर में एक्सपीरियंस किया जाता है, जहां पर जो नाइट्स होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है डेज से, तो इसे हम समर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। ये 21 जून को होता है। और 22 दिसंबर को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो सन की रेज है वो रिसीव होती है, तो इसलिए साउथ पोल जो टिल्टेड रहता है, साउथ पोल सन की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहता है, इसलिए यहाँ साउथ पोल में थोड़ा समर का एहसास होता है, जिसकी वजह से जो साउथ पोल में जो डेज होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है और नाइट्स छोटी हो जाती है। वेरस जो नॉर्थ पोल में एक्सपीरियंस किया जाता है, इसके उल्टा इसके ऑपोजिट एक्सपीरियंस किया जाता है, जहां पर जो डेज होती है वो शॉर्ट हो जाती है और जो नाइट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसे हम विंटर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। जो 21 मार्च और 23 मार्च 23 सितंबर को जो अर्थ है वो इक्वल नंबर ऑफ लाइक इक्वल लेंथ होती है डेज एंड नाइट की, इसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जो 23 सितंबर है इसमें ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, और इसी का ऑपोजिट होता है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको स्प्रिंग सीजन देखने को मिलेगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको ऑटम सीजन देखने को मिलेगा। सो ये था हमारे अर्थ के रोटेशन के बारे में, अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका टाइम बचे और वैल्यूबल नॉलेज उनको कम टाइम में मिल पाए। प्लीज शो अस सपोर्ट फॉर दिस। वी वुड लाइक टू हैव योर सपोर्ट एंड वी दैट विल इंकरेज अस टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू हिट लाइक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन।